आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। बालेंद्र कुमार उर्फ बलराम जी चीफ रिपोर्टर एवं अंकित त्रिपाठी कैमरा पर्सन के साथ। प्रयागराज जिले के 12 ब्लॉक के बिहरिया गांव में विकास के नाम पर ग्रामीणों से ठगी की जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जगह ग्रामीणों से सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। गाँव के गरीब मजदूरों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार हो रहा है। आवास योजना में 10,000 और शौचालय के लिए 2,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन योजना में भी नाम जुड़वाने के लिए अवैध पैसे मांगे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि अमृत सरोवर योजना के तहत कई लाख का घोटाला हुआ है। गाँव में न तो खड़ंजा बिछाया गया है, न ही कोई नाली बनाई गई है। बच्चों के पीने के पानी तक का हाल बुरा है। दूषित पानी और गंदगी के कारण ग्रामीण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास गंदगी और दूषित पानी का अंबार लगा हुआ है और इसी पानी को पीने के लिए बच्चे मजबूर हैं। गांव वालों ने जिला कलेक्टर और मुख्य विकास अधिकारी से अपील की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रयागराज जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें और ग्रामीणों को उनका हक दिलाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहरिया प्राथमिक विद्यालय, वो सामने से आप दिखाइए, सामने से ये देखिए, वहाँ पानी के लिए नल है और ये विद्यालय के पास स्वच्छता के बजाय गंदगी का अंबार लगा है और यहाँ के प्रधान जी सुध ही नहीं ले रहे हैं और न तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस पे कोई एक्शन ले रहे हैं। इतना बड़ा दंड है कि बाल बच्चा औरतन का बाहर भीतर गंदा पानी, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप कई साल के होंगे? हम 80 साल। 80 साल, आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह पूर्व प्रधान। गोपाल सिंह पहले रहे, आज 15 साल के पहले। अच्छा, जैसा कि पूर्व प्रधान गोपाल सिंह का कहना है कि ये देखिए गंदगी जो है, ये पानी भी पी रहे हैं लोग, बच्चे पी रहे हैं। हमारा जो है आप आगे बता रहे हैं, तिवारी जी आगे दिखाइए, ये रास्ता कितना खराब है। चलिए चलिए, और प्रधान जी की पूरा रास्ता, पूरा रास्ता देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए, बोलते हैं इसी रास्ते से पैदल जाते हैं। मैं इसीलिए बोला था सर, जरूर आइएगा, हम दिखती जो देख लीजिए। योगी जी के बिल्कुल बिल्कुल वहाँ एक पूरा घर बनवा दी, अब ये एक नहीं बनवाते, नारेगा से रोज अच्छी कमाई है, 70-80 आदमी काम कर रहे हैं। इसका सर्वे वर्वे हुआ था, काम फालतू पैसा नाला फाला दिखा के फर्जी काम, सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आवाम का भारी। आप कहाँ से हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बिहरिया गांव सभा के पूर्व प्रधान 15 वर्ष पहले के हैं। आपका कहना है कि यहाँ पे जो ये अमृत सरोवर बना है उसका लगे हम पता आदमी बताने का करे थे, आपके यहाँ किसको कॉलोनी मिली है? आदमी को। कितना पैसा, पूरा पैसा मिला है? हाँ, 10,000। 10,000 आपको भी कॉलोनी मिली है? हाँ। और आपसे भी लिया गया कि नहीं? हाँ, 10,000। 10,000 आपको भी कॉलोनी मिली है? हाँ। आपका नाम क्या है? परमिला। अच्छा, आपका नाम? नाम चलो चलो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मूलभूत जो दिक्कत है, प्रधान के द्वारा कटवानी सारी सुविधाओं के लिए जो सरकार देती है निःशुल्क, और विधवा वृद्धा विकलांग इनका तो उपेक्षा की जा रही है। ये देखिए 80+, ये देखिए माता जी वो कांप रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन प्रधान कोई सुध नहीं ले रहा गरीबों का, वो शंका गढ़ में बैठते हैं। लोगों का कहना है, और ये भैया आपका सुन नाम? ये निवास आपका ही है? ये हमारा निवास है, इसी में हम रहते थे, आई बच गए नहीं, गिर जाता तो हम लोग दब के मर जाते। आप लोग कितने परिवार हैं, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं और पत्नी, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और ये पत्नी है। हाँ, ये पत्नी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस घर में रह रहे थे, तो आप प्रधान जी से मिले घर गिरने के बाद? हाँ, कई बार कहता था। अच्छा, तो आवास सरकारी आपको नहीं दिला है? नहीं। क्यों? क्या बताया, कोई कारण रहा होगा? नहीं मिला, आश्वासन मिला। आश्वासन से मिला है? जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ गरीबों को आश्वासन दिया जाता है, उनको जो है आवास की सुविधा नहीं दी जाती है। लैट्रिन वाला मिला है? ना तो स्वच्छता अभियान के तहत लैट्रिन, ना तो आवास, आपको कुछ भी नहीं मिला है, आपका कहना है। अब इसका कारण तो प्रधान जी बता सकते हैं। कई बस्ती है, कुल मिला करके यहाँ पे, अभी यहाँ कार्यक्रम था, यहाँ पे
लोग यहाँ पे आते थे तो वहाँ पे गिरते हुए जाते थे, अभी तो कुछ ठीक है। हाँ अभी तो कुछ ठीक है, अभी आए होंगे तो है कहीं जगह। हाँ निकलने की जगह नहीं है। ये तो जब शादी हुई थी हमारे यहाँ, ये रास्ता सही होना चाहिए बस। चलिए इसके लिए तो बात करेंगे, डायरेक्ट वीडियो साहब से बात करेंगे ना, हम ऐसे बात नहीं करते। इसका सर्वे भी शायद हुआ था, हम वीडियो साहब यहाँ से जो है और वीडियो दिखाएंगे आप लोगों की, ये समस्या है। गांव को प्रधान ने बोला था, गांव समाज ये देखिए, ये महिला है लकड़ी लेके आ रही जंगल से, और आपसे बात करते हैं कि क्या सुविधाएं मिली आपको। कॉलोनी मिली है? हाँ कॉलोनी मिली, देखा दो कॉलोनी पाए। अच्छा, मतलब एक हमारे नाम से मिली है, एक हमारा लड़का अलग है तो ओके नाम से। तो कितना मिला पैसा? पैसा अब वो लड़का लिए आवर रहे हैं, हम जा रहे हैं निकाल दे रहे, लड़का गिना रहे जाने, हम पढ़े लिखे नहीं यहाँ साहे। तो उसमें कुछ सुविधा सुविधा भी पड़ा है? हाँ नहीं नहीं, मतलब कुछ खर्चा प्रधान जी नहीं निकाल, खर्चा बताए तहन 10,000 यानी दो कॉलोनी में 20,000। ये तो लेना चाहिए प्रधान जी के। अब प्रधान जी भाई कहें कि दस, तब का करी, अब दे पारा मजबूरी में। अच्छा सबसे से लेते? सबसे एक जने से नहीं, सबसे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है विमला। विमला आपके का नाम के लिए देती है लैट्रिन की व्यवस्था, क्या आप लोगों को मिला है? नहीं मिला है। प्रधान जी साहब लोग कहे कहन तो कहन की है आवत बाटे बता का उतर ही चला।